अच्छा इसमें जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पढ़ा था, ज़्यादा पढ़ा था, ये पढ़ा था ना हमने, ये पढ़ा था। फिर इसमें मैट्रिक की फीस में चैप्टर 14 में हमने ये पढ़ लिया था कि ऑब्जेक्ट को रखा जाए एफ और टू एफ के दरमियान, है ना। ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ के दरमियान अगर रखा जाए तो उसका इमेज किस टाइप का बनेगा। वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड टू, एफ और टू एफ के दरमियान अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। तो इमेज का नेचर क्या होगी, इमेज कैसा होगा, रियल इमेज बनेगा, जो ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज भी रियल बनेगा, नजर आने वाला इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, और बियॉन्ड फॉर्म बियॉन्ड टू एफ, टू एफ से ये एफ होता है, ये टू एफ से पीछे बनेगा। पाँचवा कैसा हमारे पास है, पाँचवा क्या है, तो छठा कैसा, मैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एट एफ, ऑब्जेक्ट अब आपने एफ के ऊपर रखा, देख रहे सबसे पहले इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था, फिर टू एफ के करीब लेकर आए, फिर टू एफ के ऊपर लेकर आए, फिर टू एफ और एफ के दरमियान लेकर आए, अब टू एफ और एफ के दरमियान के बाद एफ के ऊपर लेकर आ गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने एफ के ऊपर रख दिया, यानी फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट के ऊपर रख दिया आपने, ठीक है, फोकल पॉइंट के ऊपर रख दिया। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, ये देखें इमेज कहाँ बना, नज़र आ रहा है इमेज, नज़र ही नहीं आ रहा, तो क्या बनेगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ, तो इमेज के, इमेज की नेचर क्या होगी, रियल इमेज बनेगा, यानी नज़र आने वाला इमेज बनेगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा, उल्टा ही इमेज बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, फॉर्म एंड इन्फिनिटी, और इतनी दूर बनेगा आपको पता नहीं चलेगा, बहुत दूर, इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगा, आप देख ही नहीं सकोगे बहुत दूर है, समझ आ रही बात, ये इंसान की आँख एक हद तक देख सकती है ना, बिल्कुल एंड तक तो नहीं देख सकती, तो बहुत दूर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, रियल बनेगा इमेज ज़रूर, लेकिन रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा भी बनेगा और बहुत दूर, इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगा, इसलिए आपको यहाँ पर आपको इमेज नज़र नहीं आ रहा है, इमेज आप देखो तब तक इमेज नज़र आ रहा है ना, ये इमेज है, इमेज है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, और इमेज नहीं है, इमेज बहुत दूर बन रहा है। ये पाँचवीं कंडीशन है। छठी कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट, ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल फोकस और सेंटर पॉइंट के दरमियान करो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर फोकल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर ये होता है, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट, ये फोकल पॉइंट होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये फोकल पॉइंट के दरमियान अगर, ये ऑब्जेक्ट के लिए ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, बता चुका हूँ मैं, ऑप्टिकल सेंटर फोकल पॉइंट के दरमियान अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, नेचर एंड लोकेशन, वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इमेज भी इसी से बैक पर बन रहा है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा, इजेक्ट बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा, जैसा ये ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधा बनेगा, लार्जर इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उससे बड़ा इमेज बनेगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनेगा, समझ आ रही बात है, ये छठी कंडीशन हो गई। ये सारे हमारे कौन से लेंस हम यूज़ कर रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस में सारे केस से हो रहे, कॉन्वेक्स लेंस के सारे केस हमारे हो गए, अब हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, ये आपका कॉनकेव लेंस होता है, पता है आपको, ऑब्जेक्ट को अब ये आपका कॉनकेव लेंस, ये आपका है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर है, अब यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका इमेज जो बन रहा है, ये इसका इमेज बन रहा है, इसकी नेचर क्या है, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगा, नज़र ना आने वाला, डिमिनिश छोटा बनेगा, इरेक्ट सीधा बन, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे सीधा बनेगा, इमेज इमेज अंडर इस फोकल, फोकल लेंथ के अंदर बनेगा, लिहाजा वो छोटा होगा और इरेक्ट होगा, वही सीधा ही होगा, लेकिन वर्चुअल होगा, यही इमेज आपको नज़र नहीं आएगा, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ है इसका। तो अगर कॉनकेव लेंस लेंगे तो इसका इमेज क्या बनता है, हमेशा वर्चुअल बनता है, यानी नजर ना आने वाला इमेज, रियल इमेज का मतलब आपको नजर आ रहा हो, वर्चुअल इमेज का मतलब इमेज नजर नहीं आएगा आपको, इमेज नजर नहीं आएगा, ठीक है।